यूट्यूब के इतिहास में किसी ने भी आज तक इस विषय पर बात नहीं की है। यह कुछ मिनटों की जानकारी आपको अद्भुत स्वास्थ्य दे सकती है। वीडियो के आखिर में आपको कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने के लिए सालों का अनुभव चाहिए, इसलिए अंत तक आप हमारे साथ बने रहें। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम सुबह के समय फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाते हैं तो हमारा मल शीट के फ्रेश पर गिरते ही चिपक जाता है। फ्लश करने पर भी मल चिपका हुआ ही रहता है और लोग इस बात पर ज्यादा गौर भी नहीं करते। लगभग सभी लोग इस बात से अनजान हैं कि वह अपने मल को देख करके भी अपने स्वास्थ्य का पता लगा सकते हैं कि उन्होंने जो खाया उसका पाचन हुआ या नहीं। मल ना आने की स्थिति कब्ज होती है और कब्ज होने का अर्थ है कि खाया गया भोजन पचा नहीं। खाना नहीं पचने की दूसरी स्थिति में मल आता है पर फ्रेश पर चिपकता है और बदबू आती है। इस स्थिति में भी भोजन ठीक से नहीं पचा। एक और तरीका है जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपका भोजन ठीक से पचा है या नहीं। अगर आपका मल फ्लश करने के बाद भी पानी में तैर रहा है तो उसका अर्थ है कि खाया गया सारा भोजन का पाचन बहुत ही अच्छे से हुआ है। और अगर मल पानी के तले में बैठ जाता है तो समझे कि पाचन ठीक से नहीं हुआ। मांस खाने वाले व्यक्तियों का तो और भी बुरा हाल होता है। उनके मल में बहुत तेज दुर्गंध आती है जो ये बताती है कि खाया गया मांस का पाचन ठीक से नहीं हुआ। मांस खाने वाले व्यक्तियों का मल फ्रेश पर चिपकता है और लगभग सभी मांसाहारियों को कब्ज की शिकायत रहती है। भोजन पर हमने बहुत रिसर्च की है, हमारा मूल भोजन तो कुछ और ही है। उसकी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में विस्तार से बताई जाएगी। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि लगभग 46 से 50 रोग पेट से जुड़े होते हैं और पेट से ही तरह तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। मैं बहुत से लोगों से मिलता हूं और उनकी दिनचर्या पूछता हूं। ज्यादातर लोग पेट साफ न होने की समस्या से परेशान हैं। वह तरह तरह के उपाय करके थक चुके हैं। उन्हें उपाय पर ज्यादा ध्यान न देकर पहले भोजन की प्रक्रिया को समझना चाहिए, उसके बाद ही उपायों को करना सही है, तभी वह पूर्ण लाभ को महसूस करेंगे। कई लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जिनको सुबह उठते ही प्रेशर आ जाता है। सुबह उठते ही प्रेशर आना सही बात है, पर आप ये ना समझ ले कि मुझे कब्ज नहीं है। सुबह एक बार में पेट साफ होने के बाद भी आपको कब्ज है, आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है। इसका पता आप आसानी से लगा सकते हैं, वो अभी हम आपको बताएंगे। क्या आपको पता है हमारी छोटी आंत की लंबाई 20 से 23 फीट है और इसका व्यास लगभग 1.5 इंच का होता है। ये तो सिर्फ छोटी आंत है। अगर बड़ी आंत की बात करें तो उसकी लंबाई 5 फीट होती है। ये लंबाई में भले ही छोटी आंत से कम है पर मोटाई में छोटी आंत से बड़ी है, इसलिए इसे बड़ी आंत कहा जाता है। हमारा खाना पचने से लेकर मल बनने तक लगभग 28 से 30 फीट की दूरी तय करता है। अगर आप भोजन में फाइबर की मात्रा सही रखते हैं तो मल इन आंतों में नहीं रुकता है। फाइबर का अर्थ है ऐसे फल, अनाज, सब्जियां जिनमें रेशा अधिक हो, जैसे गेहूं का फाइबर उसके छिलके में होता है और उसे हम छानकर अलग कर देते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। चलिए इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। फाइबर यह दो प्रकार का होता है, घुलनशील और अघुलनशील। अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया तो कभी भी आपकी आंतों में मल नहीं रुकेगा और आप खाए गए भोजन से उसका पूरा निचोड़ ले पाएंगे, यानी उसके सारे पोषक तत्व अच्छे और बेहतर तरीके से ग्रहण कर पाएंगे। घुलनशील फाइबर पानी में आसानी से घुल जाते हैं। ये शरीर के अंदर घुलकर एक तरह का गाढ़ा तरल यानी कि जेल बनाते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का काम करता है। यह ब्लड शुगर तथा डायबिटीज के मरीजों के लिए काफी फायदेमंद होता है। यह घुलनशील फाइबर आमतौर पर फलों में पाए जाते हैं। इसके अलावा हरी सब्जियां, मटर और सभी दालें घुलनशील फाइबर के समृद्ध स्रोत हैं। घुलनशील फाइबर खाने को जल्दी से आगे पास नहीं होने देता, जिससे शरीर बेहतर तरीके से पोषक तत्वों को अवशोषित कर पाता है, यानी खाने का पाचन बेहतर तरीके से होता है। फाइबर को हमारे शरीर द्वारा पचने में लंबा समय लगता है, पर इसके कुछ प्रकार ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं पच सकते, वे अघुलनशील फाइबर है। ये पानी में नहीं घुलते हैं। अघुलनशील फाइबर पाचन तंत्र में रुकावट करने वाली किसी भी चीज को बाहर करने के लिए बहुत मूल्यवान कार्य करते हैं। ये पूरे पाचन ट्रैक को कवर करते हुए मात्रा में विस्तार करते हैं। वे पाचन तंत्र के अंदर की दीवारों को साफ रखते हुए भोजन से मल बनने तक के सारे रास्तों को सुगम बनाता है, ताकि मल अंदर ना रुक सके। हरी सब्जियां अघुलनशील फाइबर का एक समृद्ध स्रोत है और हमें हर दिन हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। अघुलनशील फाइबर आंतों और मलाशयों के कैंसर को रोकते हैं। वे कब्ज और बवासीर जैसी बीमारियों को रोकने में भी मदद करते हैं। खाने में अगर आप फाइबर युक्त आहार शामिल नहीं करते हैं तो खाई गई कोई भी वस्तु आंतों में जाकर जमेगी ही और गंदगी की आंतों में लेयर बनती जाती है। अगर आप कोई भी दाल या अनाज खाते हैं पर उस पर छिलका नहीं है तो आपके भोजन में फाइबर नहीं है। बाजार में मिलने वाली अधिकतर दालें पॉलिश की हुई और छिलका रहित आती है, और गेहूं का आटा भी पिसा पिसाया बाजार में मिल जाता है, जो कि मैदे जैसा बारीक है, इसमें चोकर नहीं है। यह आपके स्वास्थ्य को कैसे लाभ पहुंचा सकता है? कई लोग कहते हैं हम तो घर का सादा भोजन करते हैं फिर भी हमें कब्ज रहती है। सादे का क्या अर्थ है? सिंपल, जो घर में बन रहा हो। पर घर में बनने वाली चीजें बाहर से ही आती हैं। माँ प्रकृति ने हर खाने वाली वस्तु को बनाते समय उसका रेशा फाइबर भी बनाया, ताकि वह अंदर जमे नहीं। खाने का पाचन जब अच्छी तरह से होता है तो मल बंद कर आता है एक साथ, जिसमें अघुलनशील फाइबर भी होता है।
यह मल पानी में डूबने के बजाय तैरता है, जो यह बताता है कि भोजन का पूर्ण पाचन हो गया है। बिखरा हुआ पतला मल आना भोजन का पूर्ण पाचन नहीं होने का सूचक है। तो कुछ इस तरह आप अपने मल को देखकर अपने स्वास्थ्य का हाल पता कर सकते हैं। आज के समय में लगभग सभी लोगों को कब्ज है। जिनको सुबह उठते ही प्रेशर आ जाता है, उनके शरीर में भी बहुत सा मल अंदर ही आंतों में चिपका रहता है। उस जमे हुए मल को निकालने के लिए आप त्रिफला का इस्तेमाल कर सकते हैं। त्रिफला से पेट साफ कुछ अलग तरीके से होता है। यह अंदर जाकर आंतों की दीवारों पर जमे मल को इस तरह से हटाती है जैसे आप हार्पिक का इस्तेमाल बाथरूम साफ करने के लिए करते हैं। आपने बाथरूम में जहां गंदगी है वहां हार्पिक का इस्तेमाल किया और कुछ देर बाद आप देखते हैं तो वह गंदगी अपना स्थान छोड़ देती है। ऐसे ही त्रिफला अंदर कार्य करती है। त्रिफला जैसे ही मल के संपर्क में आती है मल अपने स्थान से हटता जाता है। त्रिफला के अलावा अन्य चूर्ण या औषधि योग में ऐसा नहीं होता, बल्कि सबका गंदगी को हटाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, पर हमने त्रिफला के साथ ऐसा पाया। त्रिफला कोई साधारण चूर्ण नहीं है, शायद इसलिए कि यह साधारण नहीं, इसलिए भी हमारे ऋषियों ने इस पर बहुत से सूत्र लिखे कि किन किन तरीकों से और कौन कौन सी स्वास्थ्य की स्थिति में इसका इस्तेमाल करके स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है। आज भी आप इसे इस्तेमाल करके हॉस्पिटल जाने से बच सकते हैं। आप त्रिफला का एक प्रयोग कीजिए जिससे आपको ये पता लगेगा कि मल अंदर किस कदर जमा रहता है। यहाँ त्रिफला को लेने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे ज्यादातर लोग इसे रात में लेते हैं। रात में त्रिफला लेने में कोई बुराई नहीं है, पर जब आप इसे सुबह 4 या 5 बजे के आसपास लेते हैं तो इसके परिणाम कुछ अलग ही मिलते हैं। रात में त्रिफला लेने से सुबह आपको सिर्फ एक ही बार शौच के लिए जाना पड़ता है, पर अगर आप सुबह इसका सेवन करते हैं तो यह 3 प्रेशर लाने के लिए प्रसिद्ध है। कब्ज वाले व्यक्ति तो इसका इस्तेमाल करेंगे ही, पर ऐसे व्यक्ति जिनका रोज एक बार में पेट साफ हो जाता है, मैं उनको भी कहूंगा कि आप एक बार इसका उपयोग करके जरूर देखें, क्योंकि पेट एक बार में साफ होने पर भी आपको कब्ज है इसका पता आपको इस प्रयोग से पता चलेगा। जैसा कि अभी आपने जाना, त्रिफला से 3 प्रेशर आते हैं अगर आप इसे सुबह लेते हैं तो। पहला प्रेशर जिनको रोज सवेरे आता है वे तो आएगा ही, पर उसके बाद दूसरे प्रेशर में भी दस्त के रूप में मल निकलता है। क्या यह मल अंदर जमा नहीं था? यह प्रयोग हमने हजारों लोगों पर आजमाए हैं और अनुभव की बात आपको कही है। जिनकी आंतों में मल अधिक जमा हुआ है उन्हें तीसरे प्रेशर में भी मल आता है, अन्यथा तीसरे प्रेशर में सिर्फ पानी की धार पकाने से निकलती है और उसके बाद पूरे पेट में बहुत ही हल्कापन महसूस होता है। यह त्रिफला आंतों में रुके हुए मल को एक एक कण में बिखेर देती है, जो कि बहुत ही अद्भुत है। जैसे ही यह मल फ्रश पर गिरता है और जब आप इसे फ्लश करते हैं तो आप पाएंगे कि एक भी कण बाथरूम की शीट पर नहीं चिपक रहा। यहाँ हमने आपको 2 चीजें कही हैं, एक फाइबर युक्त चीजें जिन्हें भोजन में शामिल करने से आपका मल अंदर नहीं चिपकेगा, और दूसरा जन्म से लेकर आज तक जो हमने खाया उसकी वजह से हमारे आंतों में जमे मल को बाहर निकालने के लिए त्रिफला का सेवन कैसे करना है ये हमने जाना। सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ त्रिफला 1, 2, 4 वाला ही प्रयोग में लाए। बाजार में इस अनुपात वाला त्रिफला नहीं मिलता है, इसे आपको घर पर ही बनाना होगा या इसका बना बनाया छोटा पैकेट आप हमसे मंगवा सकते हैं। अब इतना तो आपको स्वास्थ्य के लिए करना ही होगा। अगर आप ये हमसे मंगवाते हैं तो आप त्रिफला को और सरल तरीके से कैसे लिया जा सकता है, किन किन ऋतुओं में किन किन चीजों के साथ आप त्रिफला खा सकते हैं और किस उम्र के व्यक्ति को कितनी मात्रा में त्रिफला सेवन करना चाहिए, इसकी पूर्ण जानकारी आपको अलग से त्रिफला के बॉक्स में दी जाएगी। दोस्तों, वैसे मैं आपको ये खरीदने के लिए नहीं कहता, पर जीवनचर्या चलाने के लिए हमें ये करना पड़ता है और इस छोटे से कार्य से भी किसी को रोजगार मिल रहा है, आप समझ सकते हैं। मैं नहीं चाहता आप मेरे बारे में कुछ गलत सोचें। यहां जीवन का अनुभव हमने आपको शेयर किया है, इसमें कोई झूठ नहीं है। कमाने के बहुत से तरीके हैं, मैं उन पर काम कर रहा हूं, पर मुझे भी आवश्यकता है। YouTube आजकल कोरोना के बाद से ही हेल्थ चैनलों के साथ गलत करने लगा है। YouTube आए दिन मिसलीड डाटा बताकर चैनल का मोनेटाइजेशन बंद कर देता है। 37 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद भी वीडियो हमारे सब्सक्राइबर तक नहीं पहुंच रही। मुझे किसी की गुलामी पसंद नहीं, पर मैं अभी चीजों को बेहतर करने में लगा हूं। मुझे आपकी मदद चाहिए। ध्यान रहे, मैं यहां किसी भी मित्र से धन रुपया दान करने के लिए नहीं कह रहा। आप सिर्फ एक त्रिफला बाय करके भी हमारी मदद कर सकते हैं। जल्द ही सब ठीक होता है तो अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आता हूँ। तब तक आपका प्यार, आभार, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वास्थ्य मुक्ति हो।